हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का सोनम का किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, कुछ इस तरह से। चलिए तो मैं गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करती हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रख दी हूँ। कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है। अब मैं डालूँगी इसमें घी 2 चम्मच के करीब, और मैं घी को अच्छे से गर्म होने दूंगी। घी को मैं थोड़ा सा चारों साइड कढ़ाई में फैला दूंगी। अब मैं डालूंगी इसमें काजू और बादाम। इसको मैं फ्राई कर लूंगी। इसको मैंने बारीक टुकड़े में काट ली थी। मैं इसे थोड़ा सा ही फ्राई करूंगी। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, और अब मैं यही घी में डालूंगी गाजर। 200 ग्राम में गाजर ली हूँ, उसे मैं कद्दूकस कर ली हूँ। आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हो उबाल के। अगर आप लोग को कुकर में बनाने के लिए जानना है तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं ज़रूर बताऊंगी, कोशिश करूंगी बताने की। तो मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूंगी। तो मेरा यहाँ गाजर कलर को चेंज कर दिया है, इसका पानी सारा ख़त्म हो गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। मेरा गाजर यहाँ भून गया है, अच्छे से इसका पानी चला गया है, कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी दूध। मैं 200 ग्राम गाजर में 1/2 लीटर दूध डाल रही हूँ। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं सारे दूध को डाल दूँगी। और अब मैं डालूंगी इसमें जो मैं फ्राई करके रखी थी बादाम और काजू, उसको मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और मैं इसे पका लूंगी अच्छे से। ये लगभग हो गया है। अब मैं डालूंगी इसमें चीनी। चीनी आप अपने अनुसार डालें, क्योंकि आप जितना मीठा खाते हो तो मैं चीनी को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो चीनी मेरा मिक्स हो गया है। अब मैं इसे 2 या 3 मिनट पकाऊंगी। आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया है। तो चलिए मैं इसे निकालती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया है, बहुत टेस्टी बना था। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आती हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।